अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम देखते हैं प्राइमरी हाइपॉक्सिया यानी जर्मिनेशन अंडर हाइपॉक्सिक कंडीशंस। ड्राई सीरियल सीड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है मोस्ट ऑफ द ड्राई सीड्स, खासकर जो सीरियल सीड्स हैं, मोनोकोटिलेडोनस के जो सीड्स हैं, फैमिली पोएसी के जो सीड्स हैं, दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स mainly starch. To germinate they require catabolizing enzymes, that is the alpha and beta amylase, amylopectin debranching enzymes, and alpha glucosidase such as maltase and diastase, etc. Neither wheat nor barley seeds are able to germinate under anaerobic conditions, but rice can germinate under anaerobic conditions. यानी वीट या बारले जो ऑक्सीजन डिफिशेंसी या फ्लडिंग इनटॉलरेंट प्लांट्स है वो एनारोबिक कंडीशन में जर्मिनेट नहीं कर पाते, जबकि राइस जो कि आपको पता है इट इज ऑक्सीजन डिफिशेंसी के को टॉलरेंट प्लांट है, इसलिए वो आसानी से जर्मिनेट कर लेता है। कैसे, क्यों जर्मिनेट करता है? इन द राइस ग्रेन starch debranching enzymes and alpha glucosidase are present as in the inactive form, that is in the as an inactive precursor ki surat mein ye do ya kai enzymes jo ke starch metabolism ke liye important hai, wo precursors yani inactive form mein maujood hote hain, which are activated during germination even without oxygen. जबकि इन वीट और बारले वगैरह के जो प्लांट्स है, जो फ्लड इनटॉलरेंट प्लांट्स है, जो ऑक्सीजन की डिफिशेंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जर्मिनेशन के लिए उनको ऑक्सीजन का होना उसके एनवायरनमेंट में ज़रूरी है, तो उनमें चूँकि ये प्रीकर्सर की सूरत में मौजूद नहीं होते हैं, ये ग्लूकोसाइडेज और डिब्रांचिंग एंजाइम्स वगैरह जो स्टार्च के लिए जरूरी है वो मौजूद नहीं होते, ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो इनको बनाते हैं। जबकि राइस वगैरह जो प्लांट्स हैं, जो मोस्टली फ्लड टॉलरेंट प्लांट्स हैं, उनमें ये एंजाइम जो कि स्टार्च डाइजेशन के लिए या स्टार्च मेटाबॉलिज्म के लिए नीडेड है, मसलन अल्फा ग्लूकोसाइडेज या डिब्रांचिंग एंजाइम्स जो है, स्टार्च डिब्रांचिंग एंजाइम जो है, वो प्रीकर्सर या इनएक्टिव सूरत की सूरत में मौजूद होते हैं। जैसे ही सीड जर्मिनेशन स्टार्ट कर लेता है तो इसकी ये एक्टिवेट हो जाते हैं और स्टार्च की मेटाबॉलिज्म और जर्मिनेटिंग सीड को फूड प्रोवाइड करने का काम स्टार्ट कर लेते हैं। अपॉन जर्मिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्फा एंड बीटा एमाइलेज आर सिंथेसाइज्ड डी नोवो। This happens during the first 2 days of germination when the soluble carbohydrates already present serve as the energy source. After this, starch catabolizing enzymes become active. Iske baad, yani jaise hi soluble carbohydrates jo ke thode bahut maujood hote hain, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद आफ्टर दिस स्टार्च कैटाबोलाइजिंग एंजाइम्स बिकम एक्टिव एंड स्टार्च इज हाइड्रोलाइटिकली डिग्रेडेड एंड द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बिकम अवेलेबल फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म प्रेडोमिनेंटली एज ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। यानी स्टार्च से ये दो कंपाउंड्स फिर बनते हैं जिसको रिस्पायरेशन के लिए यूज किया जाता है। चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म कॉज्ड बाय हाइपॉक्सिया चेंजेस भी आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में, खासकर जो एनर्जी चार्ज है हम देखते हैं यहाँ पे, एनर्जी मेटाबॉलिज्म अंडर हाइपॉक्सिक एंड एनाक्सिया। इन एडिशन टू द एनर्जी डिफिशिट कॉज्ड बाय हाइपॉक्सिया एंड एनारोबायोसिस, टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट, फॉर एग्जाम्पल इथानॉल, मेन इथानॉल एक्यूमुलेट हो रहा है। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ दिस पॉइजनस कंपाउंड डिस्ट्रॉय द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड प्रिवेंट formation of proton gradient and in turn the gradient of energy. यानी जो ये इथानॉल जो है, selective permeability की ability जो कि cell membranes की एक ability है, selectively permeable होते हैं cell membranes, उसकी इस ability को इथानॉल destroy करता है, ख़राब करता है, जिसकी वजह से proton gradient
भी उसमें भी गड़बड़ आ जाती है. प्रोटॉन ग्रेडियंट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ऑन द अदर हैंड इथेनॉल इजीली परमिएट्स थ्रू बायो मेम्ब्रेन्स एंड सेल वॉल्स एंड दस ओनली रेयरली रीचेस डैमेजिंग कंसंट्रेशन ऑफ 50 to 100 नैनोमीटर इन द सेल. Acetaldehyde, the biochemical precursor of ethanol, is much more poisonous. Ethanol agar na ho, lekin acetaldehyde jo ke uska precursor hai ethanol ka, wo zyada poisonous hai than ethanol, but is usually immediately reduced. It only accumulates when alcohol dehydrogenase is inhibited or switched off by mutation or genetic modification. Acidification of the cytosol by lactic acid is another metabolically detrimental effect of hypoxia. तो जाहिरी बात है hypoxic condition में cells में या तो lactic acid anaerobic respiration होगी. anaerobic respiration के result में बहुत तेजी के साथ glucose metabolize होगा, pyruvic acid में convert होगा और pyruvic acid किस चीज में convert होगा? pyruvic acid lactic acid या इथेनॉल में कन्वर्ट होगा. लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो जाहिर बात है पीएच बहुत ज्यादा कम होगी. व्हेन ऑक्सीजन डिफिशिएंसी सेट्स इन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इज द फर्स्ट एंजाइम टू बी एक्टिवेटेड एंड द पीएच इन द साइटोसोल डिक्रीजेस एज लैक्टिक एसिड फॉर्म्स एंड एक्यूमुलेट्स. एक्टिवेट हो जाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एज द पीएच ऑप्टिमम ऑफ LDH is in the neutral range. It inhibits itself upon acidification of the cytosol. Yani ye enzyme jaise activate ho jata hai, lactic acid formation start ho jati hai, jiski wajah se pH girna start kar leta hai. Lekin bahut low pH par it becomes inactive. Pyruvate decarboxylase is less susceptible to activity and therefore takes over. जबकि दूसरा एंजाइम जो पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज है उसकी पाइरुवेट की या पाइरुविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, इट बिकम्स एक्टिव और ये ज्यादा ससेप्टेबल, ज्यादा सेंसिटिव टू एसिडिटी नहीं है. देयरफॉर इट टेक्स ओवर प्रोड्यूसिंग एसिटाल्डिहाइड एंड ट्रिगर विद अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज द इथेनॉल. यहाँ पर ये एनर्जी चार्ज की बात हमने पिछले वीडियोस में हमने की थी कि एनर्जी चार्ज ये जो एक दो प्लांट्स की दो सीड्स की देख रहे हैं हम, एक लैक्टोकासिटाइवा का सीड है ए में और बी में है राइस ग्रेन. ये फ्लैट इनसेंसिटिव जबकि ये वाला फ्लैट सेंसिटिव प्लांट है. ड्यूरिंग जर्मिनेशन इन द एयर, एयर की मौजूदगी में ये जो ब्लैक डॉटेड है ये एयर की मौजूदगी में, यहाँ पर उसका वो दिया हुआ है, ये एयर की मौजूदगी में उसका एनर्जी चार्ज काफी ज्यादा होता है. एनर्जी चार्ज बहुत ही काफी ज्यादा, जबकि एनर्जी की एब्सेंशिया में यानी ऑक्सीजन की डिफिशेंसी की सूरत में एनर्जी चार्ज काफी कम होता है. यानी नाइट्रोजन की मौजूदगी में, नाइट्रोजन मीन्स के नाइट्रोजन एज एयर यूज हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन ना हो, 3 or 4 days तक वो गुजारा कर सकता है. लेकिन जैसे ही हम इसी सीड को, जो जर्मिनेटिंग सीड है, ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में दे दे जहां पर ऑक्सीजन की कमी ना हो, एयर में ट्रांसफर कर ले, तो इसकी एनर्जी चेंज अब्रप्टली बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है. यानी कई गुना, मैनी टाइम्स तक बढ़ सकती है और बढ़ती है. तो जाहिर बात है एनर्जी चार्ज हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जर्मिनेटिंग सेल या जर्मिनेटिंग सीड्स की इंक्रीज होती है, बढ़ती है, जबकि जो फ्लड टॉलरेंट प्लांट्स हैं मसलन राइस की अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देख लें तो इसकी एनर्जी चार्ज नाइट्रोजन की यानी ऑक्सीजन की एब्सेंशिया में भी काफी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है. यानी एनर्जी चार्ज बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है. ऑक्सीजन है तो एनर्जी चार्ज जाहिर बात है उसका ज्यादा होगा, लेकिन इसके मुकाबले में देखें ये 0.5 तक जा रहा है और ये 0.5 से काफी 0.5 तक पहुंच ही नहीं रहा है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जबकि ये वाला 0.5 से को भी क्रॉस कर रहा है. यानी इतनी सफिशिएंट एनर्जी चार्ज इसको मिलती है. नंबर ऑफ एटीपी पर सेल्स मौजूद होते हैं
कि वो सेल जर्मिनेशन को प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। बायोकेमिकल एडेप्टेशन टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी बिसाइड्स एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रेन रिएक्शंस टू द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एज एक्सप्लेन लेटर बायोकेमिकल एडेप्टेशन कैन टेक प्लेस। कैसे? इन एडिशन टू लैक्टेट राइस सीडलिंग एंड स्वीट फ्लैग राइजोम्स मेनली प्रोड्यूस बेसिक अमीनो एसिड्स। चूंकि ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टिक एसिड क्या करेगा, वो पीएच को कम करेगा, तो इस पीएच को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ बेसिक अमीनो एसिड मसलन एस्पराजीन आर्जिनिन और गेबा जो है या गेमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, इसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है विद इन द सेल, जो कि कुछ कुछ हद तक इस लो पीएच को वो काउंटरैक्ट कर सकते हैं, यानी उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। सिंथेसिस ऑफ गेबा फ्रॉम ग्लूटामेट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंज्यूम्स प्रोटॉन्स। गेबा जब प्रोड्यूस हो रहा है ग्लूटामेट से, तो इट नीडेड कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरह ये ग्लूटामेट है, इसके साथ ये हाइड्रोजन मिलेंगे और हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे। हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे तो जाहिर बात है ये उस एनवायरनमेंट का पीएच भी बढ़ेगा और एज ए रिजल्ट इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन इस तरह जा रहा है। एनारोबिक पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्मेशन भी इनिशिएट या इंड्यूस्ड होता है एनारोबिक कंडीशंस में या ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी के रिजल्ट में। वो करते क्या है, क्या काम कर रहे हैं ये पॉलीपेप्टाइड्स? मोस्टली एंजाइम्स इन नेचर हैं। देखते हैं, फाइन रूट सिस्टम्स एंड रूट मेरिस्टेम्स आर पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी। इन स्पीशीज नॉट टॉलरेंट टू फ्लडिंग those parts of the root system used for water and ion uptake die off at oxygen partial pressure below 0.5 to 5 kilopascal। yani oxygen sensitive plants ke bahut sare parts khaskar jo roots wagaira hai wo destroy ya die ho jate hain and the plant becomes drought stress। jab root na ho, root parts kam hona start ho jaye, to zahir baat hai water absorption मुश्किल से होगी, क्योंकि वहां पर लिविंग रूट मौजूद नहीं है। एंड इफ स्टैंडिंग इन वाटर ड्राउट स्ट्रेस होगा, यानी पानी की कमी का सामना इन प्लांट्स को होगा, और अगर वो पानी के अंदर टेरा हुआ क्यों ना हो। ड्राउट स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वियर द साइलम सेप एंड लीड्स टू स्टोमेटल क्लोजर। यानी पानी की कमी का सामना स्ट्रेस रिस्पांस वो शो करेगा, ड्राउट स्ट्रेस रिस्पांस ये प्लांट्स शो करेंगे। स्टोमेटा भी क्लोज होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन की अमाउंट ट्रांसपिरेशन से कम है, तो जाहिर बात है वाटर सॉरी स्टोमेटल क्लोजर होगी, जिसकी वजह से वाटर लॉस को बचाया जा सके। एज ए कंसिक्वेंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस एज वेल एज फोटोसिंथेसिस भी इफेक्ट हो रहा है एज वेल एज ग्रोथ एंड द प्लांट्स फाइनली बिकम स्टंटेड। स्टंटेड मींस नॉर्मल साइज से छोटा रह जाता है व्हाइल देयर लीव्स शो स्ट्रांग एपिनास्टी डाउनवर्ड। एपिनास्टी मींस डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ द लीव्स एंड पिट्यूल्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ द अपर साइड। यानी अपर एपिडर्मल साइड की तरफ अगर ग्रोथ ज्यादा हो तो एपिनास्टी वाली कंडीशन आएगी, डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ द लीव्स या उसके साइड्स की डाउनवर्ड बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है पिट्यूल की खासकर। सच फिनोमिनन आर ऑफन ऑब्जर्व्ड इन इंडोर प्लांट्स व्हिच आर वाटर्ड टू मच वेयर हाइपोक्सिया इन द वाटर सैचुरेटेड सॉइल लीड्स टू डेथ ऑफ द रूट सिस्टम एंड वेदरिंग ऑफ द शूट। यानी मुकम्मल प्लांट्स ओवर वाटरिंग की वजह से इंडोर प्लांट्स मर सकते हैं। फ्लडिंग टॉलरेंट प्लांट्स हाइपोक्सिया ट्रिगर्स चेंज इन जीन एक्सप्रेशन। Synthesis of normal housekeeping proteins that is attenuated and synthesis of about 20 or more so-called anaerobic polypeptides NPs or anaerobic stress proteins ASPs is induced. In again, oxygen जब मौजूद हो
यानी ऑक्सीजन की कोई डिफिशियंसी ना हो तो फिर ये प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होती। जबकि ऑक्सीजन के कमी की रिजल्ट में प्लांट जीन एक्सप्रेशन के तौर पर जो रिस्पांस दे रहे हैं उनमें कुछ 20 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये होते क्या हैं? दीज आर प्रीडोमिनेंटली फर्मेंटेटिव एंजाइम्स, यानी वो एंजाइम्स जो फर्मेंटेशन में हेल्पफुल है। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज, लैक्टेट, मसलन कौन कौन से? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरल डीहाइड फॉस्फेटेज, फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, एल्डोलेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फोइसोमेरेज, एलानिन, अमाइनो ट्रांसफरेज एंड एनोलेज हैव बीन आइडेंटिफाइड। कुछ ये आइडेंटिफाइड, बाकी जो है आइडेंटिफाइड अभी तक नहीं हुए हैं। द प्रमोटर ऑफ द एनपीस कंटेन ए कंसेंसस सीक्वेंस सो कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पांस एलिमेंट। The trigger and signal chain leading to the induction of NPs are still unknown. कैसे उसकी सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है, किस तरह, यानी क्यों, कैसे और कब ये जीन कौन से, ये तो मालूम है कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के रिजल्ट में ये पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं, इट इज स्टिल अननोन। द फॉर्मेशन ऑफ NPs इज सप्रेस्ड अबाउट ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ऑफ 2 to 5%। 2 to 5% तक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर पहुंच जाए तो एनपीस प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। इन एनाक्सिया टॉलरेंट प्लांट्स मेनली एथेनॉल इज फाउंड ड्यू टू द काइंड ऑफ एनपीस व्हिच प्रमोट ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन एंड द एनर्जी चार्ज ऑफ द टिश्यू इज कीप्ड हाई दस मेंटेनिंग क्रॉस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। लॉन्गर फेजेस ऑफ एनाक्सिया, यानी बहुत ज्यादा टाइम तक अगर एनाक्सिया कंडीशन रहे, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग विंटर कंडीशन में, मे बी ब्रिज इन राइजोम्स एंड रूट्स बाई पीरियड्स ऑफ सस्पेंडेड मेटाबॉलिज्म कॉल्ड एनएरोबिक रिट्रीट। यानी अगर ये एनएरोबिक कंडीशन ज्यादा टाइम तक रहे, एनाक्सिया मीन्स इन द कम्प्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मुकम्मल ज्यादा टाइम तक रहे तो एनएरोबिक रिट्रीट की कंडीशन आती है। एनएरोबिक रिट्रीट की कंडीशन वो कंडीशन जब मेटाबॉलिज्म सस्पेंड हो जाए, यानी स्टॉप हो जाए। इन स्प्रिंग एलॉन्गेशन ग्रोथ स्टार्ट्स अगेन, बट हाउ दिस हैपेंस स्टिल अननोन। डिफरेंसेस बिटवीन एनाक्सिया टॉलरेंट एंड एनाक्सिया सेंसिटिव प्लांट्स आर ग्रेजुअल, यानी जो डिफरेंसेस है टॉलरेंट और सेंसिटिव प्लांट्स के दरमियान वो ग्रेजुअल है, ना ही इस तरह के कुछ प्लांट्स कंप्लीटली सेंसिटिव है, कुछ प्लांट्स कंप्लीटली एनाक्सिया टॉलरेंट है। देयर आर नीदर एब्सोल्युटली, वही बात की है, एब्सोल्युटली टॉलरेंट नॉर एब्सोल्युटली इनटॉलरेंट स्पीशीज। मेम्ब्रेन लिपिड्स अपीयर टू प्ले अ क्रूशियल रोल। इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट हाउ फास्ट मेम्ब्रेन लिपिड्स आर डैमेज एंड कैन सब्सिक्वेंटली बी रिप्लेस्ड। यानी मेम्ब्रेन सारा गेम जो है वो टॉलरेंट और उसमें जो मेन डिफरेंस है वो उसके मेम्ब्रेन लिपिड्स में मौजूद है कि मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में कितने हद तक डैमेज होते हैं और कितने तेजी के साथ वो वापस रिप्लेस या रिपेयर होते हैं। इन इनटॉलरेंट स्पीशीज मेम्ब्रेन लिपिड्स आर डैमेज रेडियली व्हाइल दोज ऑफ द टॉलरेंट स्पीशीज आर मोर परसिस्टेंट। ऑक्सीजन डिपेंडेंट desaturation of lipids appear to be inhibited in anoxia sensitive plants. Higher proportion of saturated membrane lipids was found. Yani anoxia sensitive plants jo hai jo sensitive to oxygen deficiency jo plants hain unme kya hai, higher proportion of saturated membrane lipids, usme jo membrane lipids hain unme saturated फैटी एसिड्स से बने हुए हैं वाज फाउंड इन कंट्रास्ट, यानी ज्यादा अमाउंट उसमें सैचुरेटेड फैटी, अनसैचुरेटेड भी है लेकिन ज्यादा प्रोपोर्शन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के फॉस्फोलिपिड्स से बने हुए हैं। इन कंट्रास्ट टू टॉलरेंट स्पीशीज वेयर अ हायर डिग्री ऑफ डीसैचुरेशन कैन बी मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और मेम्ब्रेन्स, जबकि डीसैचुरेशन कैन बी मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। Membranes of mitochondria
Membranes of mitochondria and of the endoplasmic reticulum are particularly endangered. In pea seeds, mitochondria are destroyed after only 3 to 4 days of anoxia, whereas biomembranes of tolerant species remain functional for a longer period. Pea plant की example यहाँ पर दी है कि pea plant का जो mitochondria में जो membrane है या mitochondria destroy हो जाता है within through 3 to 4 days of anoxia, जबकि biomembranes of tolerant species remain functional for longer period. Thank you for watching. Allah Hafiz.